कार्तिक मास के कृष्ण व्रत की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ या कर्क चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां अपने पतियों की वृद्ध आयु व मंगल की कामना से व्रत रखती हैं। इस दिन दीवार पर शिव पार्वती, चंद्रमा, गणेश व कार्तिकेय आदि के प्रतीक चित्र बनाकर उनका रोली, अक्षत, गुड़ आदि से पूजन किया जाता है। पूजन विधि। व्रत रखने वाली स्त्रियां एक पटरे पर चीनी या मिट्टी का अनाज से भरा करवा व जल से भरा एक लोटा रखकर उन पर सतियां बनाएं। करवे में सुहाग के प्रति कुछ बिंदियां व श्रद्धा के अनुसार बाइने के रूप में कुछ रुपए पैसे रखें। फिताई हाथ में अनाज के कुछ दाने लेकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद चीनी या मिट्टी का करवा और जल का लोटा पवित्र स्थान पर रख दें। रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा को लोटे के जल से अर्घ्य देकर करवा सास, ननद अथवा ब्राह्मणी को दें और फिर व्रत खोल लें। किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे व 1 बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था, अतः करवा चौथ का पहला व्रत उसने मायके में ही किया। इस प्रकार सेठानी, उसकी बेटी व बहुएं उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस प्रकार वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। इकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि बहन को भूख लग रही होगी, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि जला दी और घर पर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन ने अपने भाभियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। उसकी भाभियां अपने पतियों के करतूतों को जान गई थी। वह बोली, भाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तो तुम्हें चलनी से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ्य देकर झटपट भोजन कर लिया। इससे गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने श्रद्धा भक्ति से विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके सारे दुख दूर हो गए। अब पति भी स्वस्थ हो चुका था और धन धान्य की भी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसी तरह एक बार पार्वती जी ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तब उन्होंने भी करवा चौथ व्रत को विपदाओं का नाश करने वाला बताया था। करवा चौथ व्रत की उद्यापन विधि। करवा चौथ व्रत का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखकर एक साड़ी, ब्लाउज व श्रद्धा अनुसार बेट रख लें। वह अक्षता और थाली को चिरच कर वह थाली सास को दे। फिर 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर उन्हें सुहागन की चीजें व दक्षिणा देकर विदा करें।